नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। सर्दियों में सब कुछ खाया और गाजर का हलवा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, और वो भी एकदम पारंपरिक तरीके से बनाई गई। मेरी माँ से सीखा हुआ है मैंने ये, मेरी माँ जिस तरह से बनाती है उस तरीके से मैंने ये हलवा आज बनाया है। समय लगता है इस हलवे को बनने में, लेकिन इसके स्वाद का तो कोई तोड़ ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये हलवा, बहुत टेस्टी। आप रेसिपी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना स्वादिष्ट बन रहा है। और देखते ही देखिए ना, देखते ही मुंह में पानी आ गया है कि खाने का मन हो रहा है एकदम। तो फिर शुरू करते हैं जल्दी से बनाना गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए मैंने 1.5 किलो गाजर कद्दूकस करके ले ली है, और 1.5 किलो ही मैंने दूध लिया है। मैं यहाँ पे सम प्रमाण ले रही हूँ, आप चाहें तो दूध कम भी ले सकते हैं, पर मैं मेरी माँ की रेसिपी से बना रही हूँ, तो वो जिस तरह से उन्होंने मुझे सिखाया है उस तरह से बना रही हूँ मैं। उन्होंने एक टिप भी दी थी कि गाजर हमेशा जो अंदर से जो पीला पार्ट होता है ये बिल्कुल कम होना चाहिए, ऐसी गाजर देख के लेनी चाहिए, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको ऐसी नहीं मिलती है तो सिर्फ गाजर का लाल जो पोर्शन है उसको आप कद्दूकस करके ले। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। ये मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है, मेरी माँ भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं, इसलिए मुझे भी ये लोहे की कढ़ाई ही ज्यादा पसंद है। इसमें स्वाद ही अलग आता है हर चीज, आप कुछ भी बनाते हैं तो। इसमें मैंने गाजर डाल दी है। अब जो हमने दूध लिया है, ये दूध मैंने एक बार गर्म कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा 1.5 किलो गाजर में 1.5 लीटर दूध पूरा ले रही हूँ मैं। गाय का दूध ही ले रही हूँ, आप चाहें तो भैंस का भी ले सकते हैं। अब मैंने गैस चालू कर दिया है, और अब इस गाजर को इस दूध में ही हमें पकने देना है। ट्रेडिशनल वे तो यही है, पारंपरिक तरीके से इसी तरह से गाजर का हलवा बनाया जाता है, तो इसका स्वाद ही अलग आता है। मावा डाल के भी कुछ लोग बनाते हैं, पर इसमें अगर आप दूध में गाजर पका रहे हैं तो फिर आपको मावा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बढ़िया स्वाद आएगा, एकदम ही बढ़िया लगेगा ये खाने में। इस हलवे की तो बात ही निराली होती है। इंस्टेंट भी बनाते हैं बहुत से लोग, मिल्कमेड वगैरह काम में लेके मिल्कमेड डालते हैं, कोई मावा डालते हैं, पर वो बात नहीं है, जो स्वाद इसमें आएगा। तो इसको हमें टाइम जरूर लगेगा, करीब 40 से 45 मिनट लग जाएंगे इस गाजर को इसमें पकने में, लेकिन इसका स्वाद बेहतरीन होने वाला है। ये देखिए, गाजर दूध में पकाते हुए मुझे करीब करीब 45 मिनट हो गए, और उस वक्त ये है अभी स्थिति। और अभी इसमें पूरा ये दूध सूख जाना चाहिए, तब तक हमें इसको पकाना है। दूध का प्रमाण रहने से क्या हो जाएगा कि गाजर का हलवा फिर टिकेगा नहीं ज्यादा दिन, तो इसको पूरा दूध पूरा सूख जाना चाहिए। अभी भी ये देखिए बुलबुले दिख रहे हैं, मतलब अभी भी इसमें दूध है, तो मैं इसको पूरा सूखा लूंगी फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, करीब 1 घंटा हो गया है इस हलवे को, गाजर को दूध में पकते हुए। ये अभी भी थोड़ा सा दूध है इसमें, तो ये भी पूरा सूखा लेना है। बिल्कुल भी दूध बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, नहीं तो हलवा खराब होने का चांस रहेगा। थोड़ा समय लगता है इन चीजों में, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये दूध भी पूरा सूखा लूंगी मैं। ये देखिए, दूध पूरी तरह सूख गया है। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अब घी आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से लें। मैं इसमें अंदाजन 200 ग्राम जितना घी डाल रही हूँ। घी पिघल गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, काजू बादाम और पिस्ता मैंने कतरन कर ली थी उसकी, और किशमिश। ये मैं घी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि थोड़ी सी पक जाएंगे तो इनका मॉइस्चर निकल जाएगा ड्राई फ्रूट्स का, तो ये खराब नहीं होगा हलवा हमारा इससे, और स्वाद भी अच्छा आता है। ये डाल के और बस अब इसको हमें अच्छे से सेकना है। घी डालने के बाद थोड़ी देर सेकना है हमें इसको। देखिए कितनी अच्छी चमक आ गई है इसमें, इससे क्या होगा कि ड्राई फ्रूट भी हमारे इसमें सिक जाएंगे अच्छी तरह से। ये अच्छा सिक गया है। अब डाल देंगे शक्कर। अब शक्कर यहाँ पे मैं 200 ग्राम दे रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कैसा मीठा पसंद करते हैं, कम या ज्यादा उस हिसाब से डाल सकते हैं आप। ये शक्कर डालने के बाद एक बार तो इसका पानी छूटेगा शक्कर का, तो हमें शक्कर डालने के बाद भी इसको अच्छे से पकाना है। बहुत शक्कर का पानी भी सूख जाना चाहिए, उतना पकाना है इसको। ये देखिए, शक्कर डालने के बाद एक बार तो एकदम पतला हो गया है ये हलवा, मतलब शक्कर ने अपना पानी छोड़ दिया है। और अभी शक्कर पानी सूखने तक हमें इसे फिर से पकाना है, घी वापस छूटने लग जाएगा, ये इसका साइन होगा।
ये देखिए कढ़ाई में किनारे पे घी छूटने लग गया है, इसका मतलब अब ये हलवा तैयार है हमारा। मैंने घी थोड़ा कम ही लिया, आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ केसर जो मैंने दूध में भिगो के रख दी थी और इलायची पाउडर। अब इसको फिर से अच्छी तरह से हिला लेंगे क्योंकि थोड़ा सा दूध अभी केसर के साथ गया है, उसको फटाफट से पका लेते हैं और फिर ये हलवा गरम गरम सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा तरीका। समय लगता है इसमें, अब मुझे तो इसको मैंने मंद आंच पे रखा तो बराबर 1.25 घंटा लग गया इसका दूध सूखने में। आप चाहे तो तेज गैस पे रख के और फटाफट हिला के भी बना सकते हैं, तो वो 35 से 40 मिनट में दूध सूख जाएगा सूखने का। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। तो ये बस तैयार है हलवा सर्व करने के लिए। तो ये हमारा गाजर का हलवा एकदम पारंपरिक पद्धति से बनाया हुआ तैयार है सर्विंग के लिए। गरम गरम खाइए, इसका आनंद लीजिए, इस घर में भी सबको खिलाइए। अब ये हलवा तो सभी लोग खा सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में कोई डायबिटीज के पेशेंट हैं या कोई डाइट पे हैं अभी, तो उनके लिए भी मैंने शुगर फ्री डाइट गाजर हलवा बनाया है। उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो उनके लिए भी गाजर का हलवा हो जाएगा और बाकी लोग ये हलवा खा सकते हैं। एकदम बढ़िया है, पौष्टिक है, गाजर तो अभी सीजन में बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर एक बार बना के इसका आनंद लीजिए आप। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बाजू का जो बेल आइकन होता है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।